राजस्थान एक बार फिर सुर्खियों में। एक तरफ बदलते मौसम को लेकर तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी पर हो रही बारिशों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी है। दोनों सोशल मीडिया साइट पर एक दूसरे को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने भजन लाल सरकार पर सवाल उठाया। इस पर राठौड़ ने उन्हें जवाब देते हुए उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार को गिना दिया। इसके बाद तो भजनलाल सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जांच चल रही है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही जल्द होगी। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भजनलाल को घेरते हुए अफसरों के ट्रांसफर को लेकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आज भी सरकार चलाने वाले प्रमुख पदों पर हमारी सरकार के दौरान लगाए गए अधिकारी काबिज हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने जो नियुक्तियां की थी वो पूरी तरह उचित थी। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में ट्रांसफर लिस्ट को लेकर अधिकारियों में असमंजस बना हुआ है। सरकार को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भविष्य में कोई ट्रांसफर लिस्ट की जारी ही नहीं हो, ताकि अधिकारी निश्चिंत होकर काम कर सके। वहीं गहलोत की पोस्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आप प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के तबादले नहीं होने को लेकर चिंतित हैं। ये जानकर आश्चर्य हुआ। गत कांग्रेस राज्य के कार्यकाल में बीजेपी ने भ्रष्टाचार में लिप्त जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए थे वो तर्कों और तथ्यों पर आधारित थे, जिनकी बीजेपी सरकार में गहनता से जांच हो रही है। बहुत जल्दी उनके खिलाफ उचित कार्यवाही होगी। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने ब्यूरोक्रेसी का कांग्रेसीकरण करने का कुशलसित प्रयास किया है, लेकिन अब समय बदल चुका है। उन्होंने आगे लिखा कि लोक सेवकों की निष्ठा सरकार के प्रति होती है, न कि व्यक्तिगत विशेष और राजनीतिक पार्टियों के प्रति। सरकारें बदलती हैं, लेकिन लोक सेवक वहीं रहते हैं। हम लोक सेवकों का आकलन उनके काम के आधार पर करते हैं, न कि राजनीतिक दृष्टि से। गहलोत और राठौड़ के बीच चल रहे सोशल मीडिया पर सियासी जुबानी जंग में भजनलाल सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीच में पोस्ट करते हुए गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आपके ट्वीट से आश्वस्त हुआ कि आप स्वस्थ हैं। अनिश्चितता को आप और आपकी सरकार सर्वोत्तम जानते हैं। आपके समय में तो अगला घंटा भी निश्चित नहीं होता था। रही बात भ्रष्टाचार की, घोटाले तभी होते हैं जब लीडरशिप की शरण होती है, यह हमसे बेहतर आप जानते हैं। भाजपा सरकार तबादला नीति पर नहीं बल्कि विकास की नीति पर विश्वास करती है। भाजपा सरकार जनता को सर्वोपरि मानते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वीडियो डेक्स amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।